सो हे गाइस, क्रेजी गेमर इज बैक अनदर एक्साइटिंग वीडियो। और भाई ये वाले गेम प्ले को तुम पूरा देखना, क्योंकि भाई इस वाले गेम प्ले में आप लोग को एक खतरनाक ब्रिज गेम देखने को मिलने वाला है। और फिलहाल की बात करें तो हम लोग मिलिट्री में कूदते हैं। सामने मेरे बंदा है और ये भाई साहब खेल रहे थे भैया सोलो वर्सेस स्क्वाड, तो इनको हम लोग लॉबी में पहुंचा देते हैं। और अभी मेरे कमरे में एक बंदा घुस चुका है यही वाले कमरे में, तो उसको भी पकड़ते हैं। और यहाँ पे इन भाई साहब की जो हम लोग पेटी बना देते हैं। भाई इनको तो कुछ मिला ही नहीं था। और यहाँ पे भाई कसम से बहुत बंदे आए, बस तुम इस गेम प्ले को पूरा देखते रहना। और हाँ भाई, वो ब्रिज गेम जरूर देख के जाना। फिलहाल के लिए तो अभी ये वाले बिल्डिंग में हम लोग रश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से कोई एस्ट्रेल के मार रहा है। यहाँ पे नेट की पिनी खींचता हूँ, लेकिन इतने में ये बंदा जो है नीचे कूद जाता है। और इसके पास भैया एस्ट्रेल के नहीं थी, तो ये एस्ट्रेल के वाला बंदा नहीं है, ऊपर होगा एस्ट्रेल के वाला बंदा। बहुत बढ़िया। और यही रहता है एस्ट्रेल के वाला बंदा, और एक बंदा तो निहत्ता रहता है। और यहाँ पे आप लोगों ने मेरे टीममेट की आवाज़ तो सुनी ली होगी, भैया बोल रहा है चलो रुकना नहीं, अपन को आगे चलते रहो। तो भैया अपन भी चलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि यहाँ की तरफ से भाई M4 चल रही है। अब खैर यहाँ पे मैं जैसे ही आता हूँ, इतने मुझे सामने की तरफ से साउंड आते हैं। और भाई पता लगता है कि ये अपने सामान्य आदमी है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी नहीं आया। जो भी बंदे हैं वो भैया इधर की तरफ हैं। तो भाई चलते हैं जरा। अब यहाँ पे मैं जैसे ही आया, इतने मुझे दो टीम दिखती है सामने की तरफ। अभी यहाँ पे मैंने इस टीम के साथ से तीन बंदों को नॉक कर दिया है। और अब बच चुका है इस टीम का लास्ट बंदा, जो कि भाई अपने बंदे को रिवाइव दे रहा होगा 101%। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी बंदे उनको फिनिश करते हैं। अब यहाँ पे मैंने जैसे इस बंदे को फिनिश किया ना, उतने मुझे लेफ्ट की तरफ से साउंड आने लगे दो बंदों की। और बस देखो, और यहाँ पे लास्ट वाले बंदे का जो किल रहता है वो मेरे टीममेट के खाते में चला जाता है, उसकी लास्ट बुलेट पड़ जाती है। लेकिन कोई नहीं यार, यहाँ पे यार पबजी वाले जो है हम पे थोड़ी दया दिखा देते हैं। यहाँ पे एक बोर्ड दादा को भेज देते हैं, तो पकड़ते हैं यार जरा उनको भी। अब यहाँ पे मैंने जैसे इनको मारा ना, तो हम लोग को लग रहा था हम लोगों ने पूरी मिलिट्री खत्म कर दी, लेकिन इतने में मेरे टीममेट की बातें सुनना बस आप लोग, ठीक है। और हम लोग भी सी बिल्डिंग की तरफ जाने लगते हैं। और इतने भाई मुझे छत के ऊपर एक बंदा भी स्पॉट हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे टीममेट को मार करके बता देता हूँ कि भैया हाँ ऊपर भी एक बंदा है, बिल्कुल ध्यान से जाना। और एक बंदा मेरे टीममेट को नीचे की तरफ दिख जाता है। अब यहाँ पर मैं जैसे ही आता हूँ, तो पहले मुझे नीचे की तरफ से साउंड आता है, तो वो बंदा हम लोग के फुटस्टेप सुन के भैया ऊपर की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पे मैं एक नेट फेंकता हूँ, लेकिन नेट से तो बंदा नहीं मरता, तो भाई सीधा रश करते ऊपर वाले बंदों के ऊपर। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा रहता है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे मैं फिनिश करने की ट्राई करता हूँ। लेकिन भैया ये बंदा बहुत ज़्यादा भागने की ट्राई करता है, लेकिन फिनिश तो करेंगे हम लोग, क्योंकि भैया हमारा भरोसा नहीं है कौन कब पेटी बना दे, इसलिए भैया किल तो कंफर्म करना पड़ेगा। अब बच चुका है यहाँ पे एक बंदा जो था नीचे की तरफ, भैया उसको भी पकड़ते हैं जरा, पता नहीं कहाँ ही जा चुका है। ये रे यार, हलचल मची, बंदों में कूद गया साला। और भाई देख रहे हो उसको, मतलब भागने के ट्राई कर रहा था यार हम लोगों से। और इसी के साथ हम लोग को लग रहा था पूरी मिलिट्री हम लोगों ने क्लियर कर दी है, लेकिन देखो। अरे अरे वहां भी बंदे, चलो चलो चलो। अरे यार एक तो यहाँ आया, भागो, ये तो केडी है नियत्ता। नहीं नहीं, अब देखो ये तो रहते अपने सम्मान्य आदमी बोर्ड दादा, और इनके पास भैया UMP थी, लेकिन सामने की तरफ से AKM चली थी, दो AKM चली थी, जिसमें से कि एक बंदे को एक ने नॉक करके पूरा फिनिश कर दिया है। और अब बच चुका है वहाँ पे एक बंदा, तो हम लोग वहाँ पे चेक करने के लिए जाते हैं भैया कबर कुबर बना के, क्या पता हम लोग को बंदा मिल जाए। और देखो क्या होता है।
अब देखो जो AKM चली थी वो भैया यही वाले घर के इधर से चली थी। हम लोग यहाँ पे आते हैं, काफ़ी देर तक ढूंढते हैं भाई, आगे भी जाते हैं, लेकिन भाई कोई भी बंदा हम लोग को दिखता नहीं है। क्या पता भाई वो कैसे गायब हो गया, अपने आप ही गायब हो गया या फिर सांप बन चुका है, हम लोग को नहीं पता। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं और सीधा यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे हम लोग जैसे ही आते हैं तो हम लोग को भैया गाड़ियों की लाइन दिख जाती है, और गाड़ी के साथ साथ उन लोगों ने भाई पावर भी यूज़ करी है, मतलब रोलर वाली जो पावर रहती है भैया वो उन्होंने सामने की तरफ बिछा के रखी है। तो देखो ब्रिज बहुत ही खतरनाक इन लोगों ने कैम करा है, और यहाँ पे मानने की मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन भैया यहाँ पे सामने की तरफ से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाला टेप टेप वाला स्प्रे आता है, और यहाँ पे अब थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना पड़ेगा। और मेरे पास देखो आज मैंने दूसरी पावर यूज़ करके रखी है, और जो मेरे टीममेट ने यूज़ करके रखी है वो भाई वॉल वाली पावर यूज़ करके रखी है। तो देखो हम लोग जा तो सकते हैं उनके पास, सबसे पहले स्प्रे देते हैं थोड़ा बहुत। अब ये जो बंदे रहते हैं मेरे स्प्रे से भाई थोड़ा बहुत डर तो जाते हैं, इतना मेरा टीममेट जो है सामने की तरफ मार्क लगाता है कि हम लोग को कैसे ना कैसे करके वहाँ पे पहुँचना है। तो मेरा मेरे टीममेट से बोलता हूँ भैया तू वॉल लगाते जा, मैं इनको देखता हूँ जब तक। अब यहाँ पे हम लोग काफ़ी आगे तक पहुँच जाते हैं, और भाई यहाँ पे देखो जोन भी आ चुका है, तो बिल्कुल ध्यान से खेलना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग आ तो जाते हैं डिब्बे के पीछे, लेकिन भाई एक डर था अगर कोई भी बंदा वो गाड़ी के टूटी फूटी गाड़ी के पास होगा ना तो वो नेट नूट फेंक के भैया हम लोग को मार देगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये जो बंदे रहते हैं भैया थोड़ा सा आगे रहते हैं, और यहाँ पे देखो अब क्या सीन होते हैं, बंदे भी कवर बना के बैठे हैं, बस बिल्कुल एक बग्गी के पास खड़ा है, देखो स्कोप खोलो कोई सा मारो। आठ दस को भी नॉक कर दिए ना अपन सीधा रश कर पाएंगे, बंदे भाग अब यहाँ पे मेरे को लग रहा था कि भाई मैं गलत जगह पे आके फंस चुका हूँ, लेकिन भाई देखो यहाँ पे क्या सीन होते हैं। अभी देखो यहाँ पे इस टीम के दो बंदे नोक है, दो बंदे और बचे, और एक बंदा राइट से रश कर रहा है मेरे ऊपर। और भाई फाइनली इसी के साथ ये बंदे को तो मैं नॉक कर देता हूँ, लेकिन ऊपर जो मेरे टीममेट ने बंदा नॉक किया था भैया वो रिवाइव हो जाता है, और अब हम लोग को कैसे ना कैसे करके रश करना था। ओ काम डल गया मेरा, गुरु बच गए बच गए। और भाई फाइनली इस लास्ट बंदे के साथ में हम लोगों ने इनका जो है ब्रिज कैंप को तोड़ दिया है। अगर भैया ये वाला क्लच आप लोगों को पसंद आया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, जो भी बंदे पहली बार वीडियो को देख रहे हो भैया सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि आप लोगों को डेली रेगुलर ऐसी गेम प्ले वीडियो मिलती रहेंगी। अब देखो इन बंदों को मारने के बाद मैं सीधा पोचिंग की तरफ आ जाता हूँ, लेकिन पोचिंग की मुझे कोई भी नहीं मिलता। अब यहाँ पे पोचिंग की में हम लोग को कोई नहीं मिलता, लेकिन एक फ़ायदा हो जाता है कि हम लोग को भाई सामने की तरफ एक फ्लेयर दिख जाती है, आप लोग को नहीं दिखेगी क्योंकि वो अब गायब हो चुकी है। और उस फ्लेयर का पीछा करते करते हम लोग यहाँ पे आते हैं, और सामने की तरफ आप लोग को पीला पीला दिख भी रहा होगा। अब यहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि उस फ्लेयर के पास जाएं, लेकिन इतने में देखो अब ये आवाज़ सुन के भैया हम लोग आ तो जाते हैं रोजक में, और यहाँ से भाई बिल्कुल खतरनाक वाली AKM चल रही थी। और जब मैं किल मैसेज चेक करता हूँ तो अभी किसी लोंडे ने AKM से भाई तीन लोंडों को पेला है, इसका मतलब रोजक से जो AKM चली थी वही हो सकता है बंदा। तो मैं आगे तरफ चेक करने के लिए जाता हूँ, क्या पता भाई वो बंदा मुझे मिल जाए, और देखो क्या सीन होते हैं। और भाई सामने की तरफ मुझे यही बंदा दिखता है जिसने कि अभी तीन लोंडो को पेला था, यानी कि भाई अकेले ने 1v3 किया, और इस बंदे को मैं पेल देता हूँ। और अब जब याद आता है मुझे कि भैया हम लोग को फ्लेयर की तरफ भी जाना था, और यहाँ पे मुझे लग रहा था कि भाई कोई बंदा हो सकता है यहाँ पे, और इतने मेरे टीममेट की आवाज़ सुनना बस आप लोग क्या बोलता है वो। बंदा
पहले मेरा टीममेट बोलता है कि यार अभी कोई बंदा, फिर आखिरी में बोलता है भैया केडी है तो मैं समझ जाता हूँ ये अपने सामान्य आदमी बोर्ड दादा है। इनकी पेटी बनाने के बाद हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि भैया ड्रॉप पे भी जाना है। अब यहाँ पे हम लोग फ्लेयर ड्रॉप पे आ तो जाते हैं लेकिन भाई हम लोग को यहाँ पे कोई नहीं मिलता अलावा इस डब्बे के, लेकिन इस डब्बे में कुछ भी नहीं रहता तो हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं और कोई मतलब भी नहीं था यार, वैसे भी यहाँ पे रुकते तो अपना टाइम वेस्ट ही होता है ना। अब उसके बाद हम लोग को भाई सामने की तरफ एक एयर ड्रॉप दिखता है जिसको कि हम लोग लूटने के लिए जाते हैं और इतने में हम लोग के ऊपर एक पूरी की पूरी टीम रश कर देती है। तो बस देखो अभी यहाँ पे मैंने इस टीम के भाई दो बंदों को नॉक कर दिया और शायद से ये बंदे तीन आए थे, इसका मतलब एक लास्ट बंदा बच चुका है सामने की तरफ। तो भाई चलते हैं यार, सीधा रश करेंगे इसके ऊपर। और ये क्या भाई, ये उड़ कैसे गया ऊपर? और भाई इसी के साथ इस बंदे की भी यहाँ पे पेटी बन गई। और भाई गुड्डू भैया कुछ बोल रहे हैं, जरा सुनो। अब ये तो बोल रहे थे कहीं ऊपर का एंगल बनाना है तो ये वाली ट्रिक यूज कर सकते हो, ऊपर डायरेक्ट खिड़की में पहुंच जाओगे। अब खैर यहाँ पे बच चुका है सिर्फ और सिर्फ लास्ट बंदा और वो लास्ट बंदा हम लोग को यहाँ पे दिख भी जाता है क्योंकि वो हम लोग के ऊपर डांसे लेके रस करता है। अब इस बंदे को मैं स्प्रे देने की ट्राई करता हूँ लेकिन भाई एक भी बुलेट जो उसको कनेक्ट नहीं होती, सारी की सारी बुलेट जो रहती है वो गाड़ी में कनेक्ट हो जाती है। उस बंदे को हम लोग पीछे कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग को उसकी डासिया जो है दिख जाती है। और यहाँ पे हम लोग जैसे ही आते हैं तो भाई घर भर सब देखते हैं लेकिन बंदा नहीं दिखता। तभी ये सुनो, अरे इतने में मेरे टीममेट को भाई सामने की तरफ एक बंदा लेटा हुआ दिख जाता है और मुझे भी दिख जाता है जो कि भाई पत्थर के बगल में था। तो मेरे टीममेट को मैं बोलता हूँ भैया लगाओ अपना दिमाग और सीधा उनके ऊपर रश करते हैं जरा। अब यहाँ पे हम लोग भाई डब्बे बनाते बनाते आ तो जाते हैं इनके ऊपर रश करने के लिए। तो मैं यहाँ पे सोचता हूँ भैया इसको नेट से उड़ा दिया जाए लेकिन इतने में देखो ये जो बंदा रहता है भैया हम लोग को मारने लगता है तो इसकी यहाँ पे हम लोग पेटी बना देते हैं। तो बस यार गाइस आज की वीडियो में, तो गाइस वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और हाँ भाई मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, 4000 फॉलोवर होने वाले हैं। तो बस यार गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में यार। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग और हाँ यार थैंक यू सो मच।